ये है कि हम लोग शमशाबाद मेट्रो स्टेशन में हम लोग आए हैं पार्क सेक्रेट तक 120 रुपीज़ में, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से ड्राइव किया, उसने हमारे से 400 रुपीस लिए हैं, और अब हम लोग यहाँ पे दामने को में, मतलब आप लोग 500 में दामने को पहुँच सकते हैं, इसका बजट ये है, और यहाँ पे खाने पीने के पैसे लग लगेंगे। ज़्यादा मस्तियाँ करिए, बहुत खुश है, अब मैं ये घुमाने फिर ये यहाँ पे मैम आप बर्ड्स के लिए बनाए गए आर्टिफिशियल बर्ड्स के लिए, कितना खूबसूरत है आप बहुत, और यहाँ पे ये कुछ हैट्स पड़ी हैं, ये भी बहुत प्यारी हैं, दिस वन इज़ सो लवली, ढोलकी छोटी सी, और यहाँ पे कुछ वुडन चीज़ें हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ से चीज़ें लेना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा हमारे लिए क्योंकि बहुत महंगी महंगी हैं। और हियर यू कैन सी द फैसल मस्जिद, फैसल मॉस्क, यहाँ पे कुछ फूड फार्म्स हैं, लेकिन यार इनके पास फूड बहुत महंगी है क्योंकि ये ऊपर से यहाँ तक आते हैं, और वो सामने की चेंज देखते हैं अपने लिए। नहीं, मेरे नाम का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। की चेन और पेन के दोनों के प्राइस 100 रुपीज़ है। आमना का भी देखो, जाहिद का भी, तो मज़ा होता काश यहाँ पे मीम था। भाई स्टार्टिंग है दामने को कि यहाँ पे हम कुछ घूमेंगे, और स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ यहाँ पे, और फिर एट द एंड कुछ खाएंगे फिर वापसी चलेंगे। और ये देखें आप, बच्चों के छोटे छोटे झूले भी हैं, और ये देखें मंकी, ये मोबाइल बहुत ज़ोर से खींच के भाग जाते हैं, ये मंकी देखो ये मोबाइल ना खींच के भाग जाता है, ये देखें मंकी है, ये बहुत वो होते हैं, ये लोगों से ना चीज़ें लेके भाग जाते हैं, इनका साथ बेबी है, देखो अपने बच्चे की कैसे प्रोटेक्शन कर रही है, देखो देखो आंटी का ना लेज का पैक लेके भाग गया, और एक आंटी का ना शॉप पर था हाथ में, वो भी लेके भाग गया, बांदर बांदर मेरे जैसे था, ये देखें वो तो ब्यूटी, यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, पीछे हमारे बैक साइड पे माउंटेन्स हैं बहुत बड़े बड़े, और ना ये दोनों हंस हंस के मर रही हैं, दूर दूर से हंस रही हैं, पागल हो गई हैं देख देख के। ये ना अबीर का फ़ोटो शूट हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह बनाए, वो क्या करे, वो किस तरह का पोज बनाए, उसके हाथ चल रहे हैं, उसके पाँव भी साथ साथ चल रहे हैं, और बच्चों को बंदर तंग कर रहे हैं, और माहौल बहुत अच्छा है, और पहाड़ भी है, मौसम भी है, रंगत भी है, मैं भी हूँ, आप भी हो। अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से बेजार तो इस जगह पे आया जाए, क्योंकि ये बहुत सुकून वाली जगह है, यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, और यहाँ पे ना कुछ ठरकी लोग भी आए हुए हैं जैसे कि ये लोग, और कुछ ज़्यादा ही ओवर लड़कियाँ भी आई हुई हैं जैसे ये सामने वाली ना, ये तीन लड़के, इनके माँ बाप देख लो, ये ना लड़कियों को, ये लड़कियों को देख के कह रहे थे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, घुटने लग रहे हैं। एंड यार ये बहुत मज़े की जगह है, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, ये है असल दामने को, मतलब मिड ऑफ माउंटेन्स जा रहा है, ये ना मुझे डकी का भाई लग रहा है, मुझे इसका नाम नहीं आता, बस लग डकी का भाई रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे चवलियाँ मारने भी आते हैं, आज कुछ देर रेस्ट करें यहाँ पे बैठ के, बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई है, मेरे डिवाइस पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं शायद गर्मी की वजह से, इस वजह से मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लें यहाँ पे बैठ के, तो मैं अभी ब्लॉग थोड़ा सा मैंने दरमियान में पॉज किया। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सिर्फ आपके 500 लगेंगे, अगर आप एक हॉस्टलाइज स्टूडेंट हैं या आपका बजट लो है जैसे कि मैं गरीब बच्चा हूँ, तो 500 से 600 लगेंगे, हम तो पिंडी से आए हैं ना यहाँ तक, तो जैसे मेरे 550 रुपीस लगे हैं, और अपने घर से जाते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आए, यहाँ पर चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह मैंने भी अपने घर से ही चीज़ें लेके, मतलब अपने हॉस्टल से, एंड आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट, बहुत मज़े की जगह है। और यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अब आपको मज़े मज़े के व्लॉग मिलेंगे, अभी तो दामने को देख रहे हैं हम, उसके बाद आप फैसल मॉस एंड टॉयस और अच्छी अच्छी जगह हम हाइकिंग करने चलेंगे कहीं, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। लोग आते हैं तो अपने साथ खाना बना के लाते हैं, हम लोग वेवीज और लेज लेके आए हैं, और साथ बस कुछ फ्रेश अप्स और चिगलम यानी बबल डिंग डोंग आए, तो फ्रेश अप लाजमी लेके आए ताकि आपका मूड ठंडा ठंडा रहे, और वैसे ही खुशी से तो आप ऐसे ही ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे है ना हम इन ड्राइव पे जिस अंकल के साथ आए हैं, वो अंकल भी इधर घूम रहे हैं, लेकिन उनके फ्री में मज़े हो गए हैं। फूल तोड़ना मना है, और मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई फूल नज़र नहीं आ रहा, मतलब मोट्स द बट द बिहेवियर पूजा।
कि ये देखें, और इसका ना ये फोत होने वाली है। ये देखो इसके हाथ कैसे चल रहे, मर रही है दोनों देख के। रिएक्शन ऑफ माई फ्रेंड आफ्टर सीइंग दैट व्यू पॉइंट, ये पॉइंट देख के तो आप लोग वाकई बेहोश हो जाएंगे। ये बच्चे भी देखना खुशी से आ रहे हैं, और सच अमेजिंग प्लेस। और यार बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यार ये देखें यहाँ से फैसल मॉस्क बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ओवरऑल सारा दिस व्यू इज सो सो रिलैक्सिंग ना। सब लोग यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि आज वर्किंग डे है, फिर इस जैसे ज़्यादा रश नहीं है, बट सब लोग वीडियोस और पिक्स बना रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो यार जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे आप बोलेंगे लेवल है, अंत ही अंत है। ये विजिटर बुक्स है, आई डोंट नो ये कौन सी जगह है। यहाँ पे मेरे ख्याल से विजिटर्स आते हैं और चेक करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी ओल्ड जगह है और ये बंद है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। और ये भी शायद एक ज़माने में ये कोई अच्छी कैंटीन कैफेटेरिया वगैरह इस टाइप का कुछ रहा होगा। ऊपर भी चीज़ें हैं बट वो टूटी हुई हैं। चलो अब हम लोग नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी गुड। आपने एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। आने के पैसे हो गए पूरे? और यार ये व्लॉग बड़ा ही ललन टॉप होने वाला है और आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना, मुझे इस व्लॉग के ऊपर 1K व्यूज़ चाहिए। और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पे 1000 लगा के पूरा आई हूँ। 1000 लगाया तो आपको 1K व्यूज़ तो देने चाहिए एटलीस्ट। और यार ये पौधा भी बड़ा ऑसम लग रहा है। और ना इसके नीचे से मैं जा रही हूँ और यहाँ पे ये मखदूम सैयद आसिफ उल्ला पते नहीं बड़ा क्यों है स्टोन लिंग सेमनी वगैरह ये कुछ हुआ है यहाँ पर। और वाट यहाँ पर ना वो भी हो सकते हैं बंदर, और बंदर आपको पता है मोबाइल खींच के चले जाते हैं। इट वॉज़ अ जस्ट प्लीसेंट इन्वायरमेंट यार। ये जगह बहुत मज़े की है, आप लोग यहाँ पे आए विज़िट करें। और इतना इतना सुकून है यहाँ पे, इतना ज़्यादा आई कॉन्ट डिस्क्राइब। बहुत मज़े की जगह है। मतलब डिफरेंट पाकिस्तान में लोग भी और टूरिस्ट भी यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। दे कैन स्पेंड एयर अ क्वालिटी ऑफ टाइम, नॉट क्वान्टिटी ऑफ टाइम, ऑल्सो क्वान्टिटी ऑफ टाइम। और बहुत मज़े की जगह है, आने के पैसे वसूल हो गए हैं। और मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं बिल्कुल जंगल है, और यहाँ पर बंदर भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। चलो हम चलते हैं और कुछ खाते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग वापस चलते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ मागीला के अबाउट लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं। गुलदादा बड़ी बिल्ली के ख़ानदान से ताकने वाली आ रही, मुझे तोड़ तो पढ़ने ही नहीं आती। और भी ब्लैक पर काला तीतर, और नीचे लिखा है भूरा तीतर, यानी यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। सो चलो और बच के चलो।